हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो आज दिन की शुरुआत में ही बहुत सारा काम था। आज घर की हो रही थी डीप क्लीनिंग, साथ ही साथ मैं कर रही थी अपना वीडियो शूट। लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारा सामान था, स्पेशली किचन को आज क्लीन करना था बहुत अच्छे से, तो हमने पूरा किचन खाली कर दिया। पता नहीं लगता है पर जब खाली करने बैठी तो इतना सामान था, स्पेशली ऊपर का जो रैक्स था जो काफ़ी टाइम पे अनटच होता है, मतलब हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हम नहीं उसको यूज़ करते, चीज़ें रख के हमने छोड़ दी है, तो वो इतना भरा हुआ था, पूरा बालकनी भर गया था। इसके बाद मैंने जो DIY बनाया था इसका मैं एप्लीकेशन कर रही थी। टाइम मेरे पास बहुत कम था, वैसे इसको आप 2 घंटे रखो तो अच्छा रिज़ल्ट आता है, पर यहाँ मैंने 1 घंटा ही रखा था। फिर हेड वॉश कर लिया क्योंकि मुझे जाना था आज टेम्पल, तो बस मैं यहाँ पे झटझट से तैयार हो गई थी। तो घर का काम हो गया और हम लोग जा रहे थे टेम्पल। देखो ना मेरा बाल कैसे हो रहा है पंखे के नीचे। बाल मेरे पूरे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वियाना ने मुझे आगे नहीं बैठने दिया, उसको आगे आज अकेले बैठना है, वो बैठी है आगे और मैं बैठी हूँ पीछे। ठीक है, फिर मैंने भी बोला चलो ठीक है आप एंजॉय कर लो। वियाना, वेयर आर वी गोइंग? आई एम गोइंग टू टेंपल। Where are you going? I'm going to temple. We are going to temple. Very nice. But monkeys don't play in temple. What monkeys doing? Monkeys going to temple. Monkeys is also going to temple with you. ये वो मारेरी और मेट्रो चलते हुए दिख रहा है, देखो मेट्रो ही है ना। तो हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल विच इज़ 20-25 किलोमीटर्स फ्रॉम आर प्लेस। हमारा घर जहाँ पे है वहाँ से कितना टाइम दिखा रहा है बाबू पहुँचने के लिए? एंड विद दिस बैंगलोर ट्रैफिक 1-1.5 घंटे तो आराम से लगेंगे। सो ये मॉल जो हम क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है फिनिक्स। बहुत सारे सिटीज़ में हैं और ये बैंगलोर का वन ऑफ द पॉपुलर मॉल है। इसके साथ वाले मॉल का नाम है VR। यहाँ सारे ब्रांड्स मिलते हैं। अब बस हम मंदिर के पास ही पहुंच रहे थे तो मुझे लगा अब तो दर्शन तुरंत ही हो जाएगा, बट ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं। पार्किंग ही नहीं मिली, लास्ट में था ये ओरायन मॉल जहां हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी। हम लोगों को कितना पापड़ बेलना पड़ा है दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हम जब टेम्पल पहुँचे वहाँ पर पूरी पार्किंग फुल है, कितनी सारी पार्किंग है, टेम्पल वाला पार्किंग भी पूरा फुल था, फिर 2-3 पार्किंग था घुसने नहीं दे रहे हैं, भगा रहे हैं। अभी हमने मॉल में एंट्री लिया, हम मॉल में गाड़ी को पार्क किया है एंड नाउ हमने लिया है ऑटो एंड हम ऑटो लेके हम जा रहे हैं। मतलब इस शहर को क्या हुआ है पता नहीं, यहाँ से इतने इतने लोग आते हैं छोटी से छोटी चीज़ करने के लिए भी ना, बहुत पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। छोटे बच्चे हैं जिनके पास, उनको तो बहुत ज़्यादा हमें दर्शन हो पाता है ठीक से, भगवान की मर्जी होती है जो भी होता है। हम लोग मंदिर पहुँच गए, अंदर तो शायद फ़ोन अलाउड नहीं है क्योंकि कहीं पे भी आजकल फ़ोन अलाउड नहीं है। फाइनली हम मंदिर के प्रेमिसेस में एंटर कर चुके थे और बाहर आप आराम से वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, पिक्चर्स निकाल सकते हो। थी रिस्ट्रिक्शंस खाली अंदर के लिए, जब आप मेन टेम्पल में एंटर करते हो फिर आप वहाँ से वीडियोज़ एंड ऑल नहीं निकाल सकते। ये किया, ये मंदिर बहुत बड़ा था और आज काफ़ी भीड़ था क्योंकि आज था कुछ फेस्टिवल। आज एक्चुअली पहला बैशाख भी था जो बंगाली न्यू ईयर होता है, तो
तो बहुत सारा क्राउड था मंदिर में। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और एक चीज़ यहाँ पे मेरे को बहुत अलग दिखी कि हम मंदिर के अंदर बहुत सारे खाने के ऑप्शंस थे, पिज़्ज़ा बर्गर तक था। एंड सो ये थे प्रभु जी, हमने दर्शन किया। ये देखिए ये सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। उसके बाद हमने यहीं पे थोड़ा सा पेस्ट्रीज और लड्डू खरीदा था, वे सब खाया। दर्शन हमने कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मे बी बिकॉज आज पहला वैशाख है, बंगाली न्यू ईयर, इसी वजह से मुझे लगता है इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं थक गई थी और मुझे आ रही थी नींद, तो मैंने थोड़ी सी नींद अपनी पूरी कर ली। सीआईडी है ना ये? हाँ, प्लेस था। आते आते हमें हो गया था शाम, तो हमने बनाया था थोड़ा सा नाश्ता और साथ में बनाया था मैंने थोड़ा सा चाय, क्योंकि थोड़ा रिफ्रेशिंग अदरक वाला चाय पीने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, तो चाय बना लिया था मैंने। और मैंने हाउस हेल्प को भी वापस बुला लिया था क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है जब वो साथ में होती है। लो चाय, क्या चल रही है, क्या चल साथ ही साथ मैं डिनर बनाने में भी लगी थी क्योंकि इसके तुरंत बाद मुझे जाना था एक बर्थडे पार्टी में, एक इनविटेशन आके रखा जाना है एक बर्थडे पार्टी में। विहाना रेडी हो गई है, से हाय। I'm going to my friend's birthday party. तो मेरा एकदम भी दिल नहीं होता है कहीं पे भी जाने का, पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, बट बेहाना को जाना है तो मम्मी भी जाएगी। Let's see, पट झटर से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। पार्टी से आने के बाद मैंने किया डिनर और इसके बाद मैं कर रही थी अपना स्किन केयर जो मैं यूजुअली करती हूँ। आज थोड़ा अच्छे से करना था क्योंकि थोड़ा मेकअप लगा हुआ था फेस पे, ये किया मैंने और ऐसा रहा पूरा मेरा दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।